everyone, this is वर्षा. Welcome to Victory Education. Class 6, Mathematics, जो कि CBSE based है. उसी का chapter number 4, Fractions, हम देख रहे थे. And उसकी एक exercise जो कि 4.1 है, वो हम complete कर चुके हैं with examples. आज हम start करने वाले हैं exercise 4.2. So, let's go to the exercise 4.2. So, the first question is, Express the following as mixed fraction. देखो हमें question given है, उसमें लिखा है कि हमें ये जितने भी question given हैं, इन्हें mixed fraction में क्या करना है? Convert करना है. तो mixed fraction में कैसे करते हैं? देखो, देखना, ये है 20/3. तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? 3 से 20 को क्या करेंगे हम? Divide करेंगे. तो कितना होगा? 3 6 18. कितना remainder बचा? 2. क्लियर है. तो अब इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? 6, देन दिस इज क्वोशेंट एंड दिस इज रिमाइंडर, दिस इज क्यू, दिस इज आर एंड दिस इज योर डिनोमिनेटर. ऊपर वाला क्या होता है? न्यूमरेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर. इसको कैपिटल में भी आप लिख सकते हो, डिनोमिनेटर. क्लियर है. तो देखो सबसे पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन को, दैट इज 6, देन 2 रिमाइंडर एंड द डिनोमिनेटर इज 3. सो दिस इज योर मिक्स्ड फ्रैक्शन. क्लियर है. क्या किया? 3 से 20 को क्या किया? सबसे पहले डिवाइड किया. 3 6 18 एंड रिमाइंडर इज 2. फिर इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट करते हैं. दिस इज क्वेश्चन 6, देन रिमाइंडर 2/3. क्लियर है. अब नेक्स्ट हम देखते हैं 28/5. तो 5 से 28 को हम डिवाइड करेंगे. 5 5 जा 25. क्या रिमाइंडर बचेगा? 3. क्लियर. तो इसे कैसे लिखेंगे? चलो यहां भी लिख लेते हैं क्वेश्चन, दिस इज रिमाइंडर एंड दिस इज डिनोमिनेटर. क्लियर. तो हम लिखेंगे 5 3/5, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर. क्लियर है. थर्ड वन और देख लेते हैं, 6 डिवाइड बाय 19. तो 6 3 जा कितना होता है? 18. रिमाइंडर कितना बचेगा? 1. तो आंसर हमें जो मिलने वाला है वो क्या है? 3 1/6. क्लियर है सभी को. तो जो भी आपको फ्रैक्शन गिवन होती है, प्रॉपर या इम्प्रॉपर जो भी है, आपको अगर उसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना है? सबसे पहले डिवाइड करेंगे, देन जो भी हमें आंसर मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हम मिक्स फ्रैक्शन बना लेंगे. क्लियर है सभी को. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ मिक्स फ्रैक्शन. ये भी सेम क्वेश्चन है, इसमें भी हमें मिक्स फ्रैक्शन में ही बनाना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 28. 9 3 जा 27. रिमाइंडर इज 1. सो द आंसर इज 3 1/9. क्लियर. सेकेंड हम देखते हैं, दिस इज फर्स्ट, दैट इज सेकेंड. 15 2 2 6. अब 15 से डिवाइड करेंगे. 15 1 जा 15. क्या बचा यहाँ पर? 7 एंड हेयर इज 6. 15 5 जा 75 एंड रिमाइंडर इज 1. सो द मिक्स फ्रैक्शन इज 15. सबसे पहले ये वाला 15 है क्वेश्चन, देन 1 एंड अपॉन 15. दिस इज दैट वन डिनोमिनेटर. क्लियर है. यहाँ पर क्या आएगा? हमेशा डिनोमिनेटर. थर्ड देख लेते हैं, 9 से 145 डिवाइड होगा. 9 1 जा 9. रिमाइंडर इज 5, अगेन 5. 9 6 जा 54. रिमाइंडर इज 1. तो इसका आंसर हमें मिलेगा 16 1/9. क्लियर है सभी को. एक लास्ट और है, वो भी हम देख लेते हैं. फोर्थ नंबर, 5 1 2 8. 5 2 जा 10. 2 8. 5 5 जा 25. रिमाइंडर इज 3. सो द रिक्वायर्ड आंसर इज 25 3/5.
क्लियर है आई होप। ये मिक्स फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन एकदम इजी है तो सभी को क्लियर हो गया होगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है फाइंड द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 45 by 60 हैविंग फर्स्ट में क्या गिवन है न्यूमेरेटर 50। देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 45 by 60। हमें 45 by 60 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है। कंडीशन क्या गिवन है कि न्यूमेरेटर आपका कितना होना चाहिए 15। न्यूमरेटर होता है ऊपर वाला एंड जो भी नीचे होता है वो होता है डिनोमिनेटर। तो यहां पर न्यूमरेटर में क्या मिलना चाहिए 15 एंड नीचे वाला हमें फाइंड करना है। अब देखो इसे आप दो तरीके से कर सकते हो। फर्स्ट वन जो मैं आपको बताती हूँ क्या कर सकते हो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्लियर। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई से कैसे होगा 45 क्वेश्चन मार्क एंड इक्वल 15 multiply 60। हमें इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे एंड हेयर इज 15 multiply 60। 45 इसके नीचे आ जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे 15 3 जा 45। क्लियर। एंड 3 से इसको अगर हम कट करते हैं देन 29। सो द वैल्यू इज कितनी मिलेगी हमें 20। सो द फ्रैक्शन विल बी 15/20। दिस इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 45/60। क्यों है इक्विवेलेंट? देखो आप 45 और 60 को भी अगर कैंसिल आउट करते हो, देखो किससे कट कट करते हैं हम इसे 3 से कैंसिल आउट करते हैं। तो 3 से अगर आप कैंसिल आउट करते हो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 एंड 3 2 जा 6 एंड 20। देखो आपको कितना मिला 15/20 ही मिला। तो यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। हमें कितना मिलेगा 15/20 क्योंकि हमें कंडीशन गिवन है कि न्यूमरेटर कितना होना चाहिए 15। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें कितना मिला 15/20। सेकेंड तरीका क्या है? देखो सेकेंड जो तरीका है वो है 45/16 हमें पता है। अब हमें क्या करना है 15 न्यूमरेटर में हमें चाहिए एंड डिनोमिनेटर हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखो आप क्या कर सकते हो, ये 15 से जो है 45 आप देखो कितने टाइम डिवाइड होता है, 15 से 45 कितने टाइम डिवाइड होता है, तो कितने टाइम होता है 3 टाइम। क्या हुआ 15 से मैंने 45 को डिवाइड करके देखा 3 टाइम डिवाइड होता है। अब 3 से हमें क्या करना है इस 60 को भी डिवाइड करना है। 3 से इस 60 को डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 20। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे 20। क्लियर है। आपको क्या करना है 15 से जो ऊपर, क्योंकि न्यूमरेटर में हमें गिवन है 15 तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को ही हम डिवाइड करेंगे। 15 से 45 कितने टाइम कटता है 3 टाइम। तो अब इस 3 से 60 को देखना है वो कितने टाइम कटेगा, वही हमारा क्या होगा रिक्वायर्ड आंसर दैट इज 20। आई होप क्लियर हुआ होगा। सेकेंड भी देख लेते हैं हम। सेकेंड में कंडीशन गिवन है 4, न्यू डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए 4। तो देखो एक बार लिख लेते हैं डिनोमिनेटर होगा हमारा 4, तो न्यूमरेटर हमें फाइंड करना है एंड डिनोमिनेटर इज 4। अब डिनोमिनेटर से क्या करना है हमें डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है। तो देखो कितने टाइम होगा 4 1 जा 4, 2 रिमाइंडर हुआ 20 4 5 जा 20 15। अब इस 15 से हम 45 को करेंगे कितना मिलेगा 3। सो द रिक्वायर्ड आंसर इज 3। क्लियर है। थर्ड देखते हैं। थर्ड चलो इसको एक बार फिर से बता देती हूँ। डिनोमिनेटर था 4 से हमने 60 को डिवाइड किया, क्या मिला हमें 15 एंड उसी 15 से हमने 45 को डिवाइड किया तब हमें कितना मिला 3 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो हमारा जो फ्रैक्शन होगा वो कितना होगा 3/4। क्लियर। थर्ड वन देखते हैं डिनोमिनेटर। चलो पहले हमें गिवन फ्रैक्शन लिख लेते हैं 45/60 एंड डिनोमिनेटर गिवन है 240। क्लियर। ये हमें फाइंड करना है। अब देखना यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अब इसमें गिवन फ्रैक्शन से ये चीज डिवाइड हो रही है। पहले क्या हो रहा था न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर जो भी गिवन था उससे फ्रैक्शन को हम डिवाइड कर रहे थे, लेकिन अभी क्या होगा डिनोमिनेटर से इस वाले डिनोमिनेटर से इस वाले डिनोमिनेटर को अगर हम डिवाइड करते हैं
तो कितना मिलेगा हमें, 4 मिलेगा। अब हम इस 4 से 45 को डिवाइड ना करके क्या करेंगे, क्रॉस में है ये दोनों, तो मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 4 कितना मिलेगा, 5 4 20 2 16 एंड 18, तो यहाँ क्या मिलेगा 180। सो द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 180/240। क्लियर हुआ सभी को? देखो पहले हमने क्या किया था, सेकंड वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, 4 से 60 डिवाइड हुआ 15 टाइम। अब 45 और 15 दोनों एक ही तरफ है, तो हमने 15 से 45 को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो हमें रिक्वायर्ड आंसर मिल गया था 3/4। लेकिन अभी जो है 60 से 240 हमने डिवाइड किया है, तो यहाँ पर हमें मिला 4 एंड 45 कहाँ है, लेफ्ट साइड में, तो ये दोनों अब डिवाइड ना होकर क्या होंगे, मल्टीप्लाई। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हमें क्या मिलेगा, 180/240। क्लियर है? एक लास्ट और देख लेते हैं, फोर्थ नंबर 45, 60 एंड न्यूमरेटर इज 135, डिनोमिनेटर हमें फाइंड करना है। अब 45 से देखो डिवाइड होता है 45 से 3 टाइम, कितने टाइम होता है 3 टाइम। अब ये दोनों क्रॉस में है, तो हमें मल्टीप्लाई करना है 3 6 18, तो कितना मिलेगा 180। सो द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 135/180। क्लियर हुआ सभी को? और किसी को कंफ्यूजन भी हो तो आप क्रॉस चेक करके देख लीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हो, अगर आप किसी को कुछ भी डाउट हो तो। क्लियर सभी को? तो आई होप ये तीनों ही क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।